Good morning. Hello friends. F. H. Chaudhary here and you are watching your own Science Vodka. Our chapter is Microorganism Friend and Foe from Class 8 Science. Here microorganism means bhoti chota organism. Friend means dost and foe means satru. You have seen several kind of प्लांट्स एंड एनिमल आप लोगों ने देखा होगा बहुत प्रकार के प्लांट्स और एनिमल को हाउ एवर देयर आर अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म अराउंड अस विच वी नॉर्मली कैन नॉट सी जबकि हम लोगों के चारों तरफ बहुत सारे ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जिनको कि हम लोग नहीं देख पाते हैं दिस आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स ये जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स कहलाते हैं फॉर एग्जाम्पल यू माइट हैव ऑब्जर्वड दैट ड्यूरिंग द रेनी सीजन मॉइस्ट ब्रेड गेट स्पॉइल एंड इट्स सरफेस गेट कवर्ड विथ ग्रीसी वाइट पैच्स आप लोगों ने देखा होगा समर के टाइम में क्या होता है जो ब्रेड होता है मॉइस्ट ब्रेड होता है वो क्या हो जाता है स्पॉइल हो जाता है और खराब हो जाता है मॉइस्ट हो के और इसका जो सरफेस है वो क्या हो जाता है ग्रीसी वाइट कलर का के पैच से कवर्ड हो जाता है ऑब्जर्व दिस पैच थ्रू ए मैग्नीफाइंग ग्लास अब जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है उसका यूज़ करके हम लोग इसके पैच को ऑब्जर्व करेंगे यू विल सी टीनी ब्लैक राउंड स्ट्रक्चर आप लोग क्या देखिएगा जो छोटे छोटे टीनी मीन्स होता है छोटे छोटे जो स्ट्रक्चर होगा वो इसके चारों तरफ एपियर राउंड स्ट्रक्चर इसके चारों तरफ एपियर हो जाता है डू यू नो वाट दिज स्ट्रक्चर आर एंड वेयर डू दिस कम फ्रॉम क्या आप जानते हैं जो ये जो स्ट्रक्चर है वो क्या है और ये कहाँ से आते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म अब हम लोगों का टॉपिक है माइक्रो ऑर्गेनिज्म माइक्रो मीन्स छोटा होता है ऑर्गेनिज्म मीन्स ऑर्गेनिज्म जो कि सिंगल सेल भी हो सकता है मल्टी सेलुलर भी हो सकता है एक्टिविटी टू पॉइंट वन देखेंगे कॉलेक्ट सम मॉइस्ट सॉइल फ्रॉम दी फील्ड इन ए बीकर एंड एड वाटर टू इट कुछ जो है वो मॉइस्ट सॉइल लेंगे किसी भी बीकर में और इसमें क्या है कुछ अमाउंट वाटर का इसमें ऐड करेंगे आफ्टर दॉयल पार्टिकल हैव सेटल डाउन ऑब्जर्व ए ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम दी बीकर अंडर ए माइक्रोस्कोप अब कुछ जो है वो पार्टिकल इसमें ऐड करेंगे ड्रॉप है वाटर का ऐड करेंगे इसमें और उसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे वाट डू यू सी आप क्या देखिएगा हम लोग क्या देखेंगे उसमें हम लोग क्या देखेंगे जैसे ही वाटर एड किए मीन्स उसमें मॉइस्चर एपियर हो जाएगा और उसके थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐपियर हो जाएंगे एक्टिविटी टू पॉइंट टू टेक फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर फ्रॉम ए पाउंडस स्प्रेड ऑन ग्लास स्लाइड एंड ऑब्जर्व थ्रू ए माइक्रोस्कोप एक्टिविटी टू पॉइंट टू में देखना है जो हम लोग कुछ ड्रॉप लेते हैं वाटर का कहाँ से पाउंड से और उसको स्प्रेड कर फैला देते हैं ग्लास स्लाइड पे और ऑब्जर्व करते हैं किसके थ्रू माइक्रो ऑब्सकोप के थ्रू व्हाट यू फाइंड टीनी ऑर्गेनिज्म मूविंग अराउंड क्या आप पाओगे जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म इसके चारों तरफ मूव कर रहे हैं जो छोटा ऑर्गेनिज्म इसके चारों तरफ मूव करेगा उसको अब अब हम लोग ऑब्जर्व करेंगे दिस ऑब्जर्व That water and soil are full of tiny organism through not all of them fall into the category of microbes. ये observation क्या दिखाता है जो हम लोगों का water और soil है वो भर जाता है छोटे छोटे organism से उनमें से सभी microbes और के category में नहीं आते हैं. These organism माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स आर सो सो स्मॉल इन साइज दैट दे कैन नोट सीन विथ दी अनएडेड आई ये माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म इतने छोटे होते हैं कि हम लोग इनको जो है वो अनएडेड खुली आँखों से नहीं देख सकते हैं सम ऑफ दिज सच एज फंगस दैट ग्रोज ऑन ब्रेड ब्रेड कैन बी सीन विथ ए मैग्नीफाइंग ग्लास अदर कैन नोट बी सीन विदाउट दी हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप्स दैट इज वाई दिज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रो माइक्रोब्स इनमें से कुछ बिना मैग्नीफाइंग ग्लास और बिना माइक्रोस्कोप के नहीं दिखाई देते हैं इसीलिए इसको क्या बोला जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म या नहीं तो माइक्रोव्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू फोर मेजर ग्रुप्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उनको फोर मेजर ग्रुप में क्लासीफाई किया गया है दो ग्रुप्स आर बैक्टीरिया फंगी प्रोटोजोआ एंड सम एलेक वे ग्रुप्स हो जाते हैं बैक्टीरिया के फंगी के प्रोटोजोआ के और कुछ जो एलेक होता है उनके सम ऑफ दिस कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर सोन इन फिगर टू पॉइंट वन टू टू पॉइंट फोर अब यहाँ पे टू पॉइंट वन से लेकर टू पॉइंट फोर तक कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के पिक्चर दिखाए गए हैं अब इनमें से देखेंगे जो हम लोगों का यूनिसेलुलर कौन है कौन सा मल्टी सेल्युलर है किसका क्या फंक्शन है इन सब चीज़ों के बारे में यार वायरस आर ऑल्सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बट आर डिफरेंट फ्राम दी अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म अब वायरस वायरस के बारे में जानते हैं वायरस वायरस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक बट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर ऑर्गेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म वायरस भी क्या है माइक्रोस्कोपिक है लेकिन ये डिफरेंट है किससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से तो कैसे आप लोगों को पता है कैसे ये डिफरेंट है क्योंकि वायरस का जो रिप्रोडक्शन है वो जिस सेल के अंदर रहता है वो इनसाइड दी सेल रिप्रोडक्शन कर लेता है हैिवन दे हैव रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड साइड द सेल ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म ये ऐसा है जो क्या कर लेता है रिप्रोड्यूस कर लेता है इनसाइड दी होस्ट ऑर्गेनिज्म होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर में रिप्रोड्यूस कर लेता है मीन्स अपने अमाउंट्स को बढ़ा लेता है विच मे बी ए बैक्टेरियम प्लांट और एनिमल ये कोई भी हो सकता है बैक्टेरियम भी हो सकता है प्लांट भी हो सकता है और एनिमल भी हो सकता है सम ऑफ द वायरस आर सोन इन फिगर 2.5 कुछ जो वायरस हैं वो दिखाए गए हैं फिगर 2.5 में कॉमन एलिमेंट्स लाइक कोल्ड इन्फ्लुएंजा एंड मस्ट कफ़ आर काउर्ड बाई वायरस कुछ जो कॉमन एलिमेंट है बीमारी है जिसमें कि आता है कोल्ड इन्फ्लुंजा एंड मोस्ट कफ ये किसके द्वारा होता है वायरस के द्वारा सीरियस डिजीज लाइक पोलियो एंड चिकन पॉक्स आर ऑल्सो काउड बाई वायरस जो सीरियस डिजीज uh, होता है पोलियो जिसमें आता है चिकन पॉक्स आता है ये भी किसके द्वारा होता है वायरस के द्वारा डिजीज लाइक डिसेंट्री एंड मलेरिया आर आरकाव्ड बाय प्रोटोजोआ जो डिसेंट्री का डिजीज होता है या मलेरिया का डिजीज होता है वो किसके द्वारा होता है प्रोटोजोआ का के द्वारा वेयर्स टाइफाइड एंड ट्यूबरक्लोसिस टी बी आर बैक्टेरियल डिजीज जबकि ट्यूबरक्लोसिस और टाइफाइड जो है वो क्या है बैक्टीरिया के द्वारा ये डिजीज होता है वी हैव लर्नड अबाउट सम ऑफ दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन क्लास सिक्स एंड सेवन हम लोगों ने कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा था क्लास सिक्स सेवन में अब यहाँ पे बैक्टीरिया का इमेज दिया गया है तो बैक्टीरिया के बारे में देख लीजिए कैसा इसका फॉर्मेशन होता है या एलिक के बारे में दिया गया है स्ट्रक्चर एलेग का स्ट्रक्चर देख लीजिए देर आफ्टर प्रोटोजोआ का दिया गया प्रोटोजोआ में आ गया एमोवा पेरेमिशियम्स ये सारे प्रोटोजोआ एमोवा सिंगल सेलुलर है इसको यूनि सेलुलर भी बोला जाता है देर आफ्टर यहाँ पे ब्रेड ब्रेड मोल्ड का स्ट्रक्चर दिया गया है पेंसीियम